मारियन, वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आज हम करने वाले हैं अमेरिकन क्रांति यानी अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, हम इंग्लैंड की बात करेंगे सबसे पहले। इंग्लैंड, आपको पता भी है कि इंग्लैंड जो था उसने भारत पर भी जो है अपने इतने सालों तक शासन किया, ठीक है। तो वैसे इंग्लैंड ने शुरुआत से ही बहुत सारे अपने उपनिवेश बना रखे थे। उपनिवेश मतलब ऐसी वो होते थे, सारे ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पर जो इंग्लैंड था अपना पूरा नियंत्रण रखता था, ठीक है। जैसे उसने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, तो वैसे ही उसने बहुत सारे उपनिवेश बना रखे थे इंग्लैंड ने शुरू से ही। तो अमेरिकन क्रांति का संबंध है उन 13 बस्तियों से जो कि इंग्लैंड ने, 13 बस्तियां कह लो या 13 उपनिवेश कह लो, ठीक है। वो ऐसी 13 बस्तियां थी जो कि इंग्लैंड ने कहां बसाई हुई थी, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में उन्होंने जो है वो कुछ अपनी 13 बस्तियां बसा रखी थी इंग्लैंड, इंग्लैंड जो था उसने, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का संबंध जो है वो इंग्लैंड और 13 बस्तियों से है। इन दोनों के बीच में, इन 13 बस्तियों और इंग्लैंड के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसे ही अमेरिकन क्रांति कहा गया था। तो इंग्लैंड ने बहुत सारे उपनिवेश बना रखे थे, वो उन पर नियंत्रण रखता था, कर वगैरह वसूलता था, ये सब उसका था। उसी तरह से उसने 13 बस्तियां जो है उत्तरी अमेरिका में बना रखी थी, ठीक है। इन बस्तियों में उसने किस किन लोगों को बसाया था, जैसे जो इंग्लैंड था वो यकीन करता था कि इंग्लैंड में जो है वो अच्छे चरित्र वाले लोग, यानी जिनका चरित्र अच्छा हो, ठीक है, अच्छे चरित्र वाले लोग, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, ये सब जो है वो इंग्लैंड में रहने चाहिए और बाकी जो अपराधी हैं या इनका चरित्र से नहीं है उनको इंग्लैंड से बाहर रखना चाहिए, ऐसा इंग्लैंड का मानना था। इसलिए उसने अच्छे चरित्र वाले और उच्च वर्ग के लोगों को वहां पर रखा और जो अपराधी वगैरह थे, जैसे उनको अपराधी थे, वो अपराधियों को क्या करते थे, इंग्लैंड में नहीं रखते थे ज्यादातर। ऐसा उन्होंने क्या किया था कि 13 बस्तियां बसा रखी थी, वहां पर वो जो अपराधियों को सजा के रूप में उन 13 बस्तियों में जाके बसाते थे। तो इन 13 बस्तियों में अपराधियों को बसा रखा था वहां पर, और इन बस्तियों में जो धर्म के, ऐसे क्या हुआ कि इंग्लैंड में बहुत सारे धार्मिक सुधार हो रहे थे जिनसे कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए। जब कैथोलिक चर्च वगैरह की स्थापना हुई, कैथोलिक धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, तो बहुत सारे जो लोग थे वो इंग्लैंड को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए थे, वो इन बस्तियों में जाके बस गए थे। तो जो धर्म से नाराज थे, मतलब धर्म पर जो भी परिवर्तन हो रहा था उसके उसमें पक्ष में नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पर चले गए थे 13 बस्तियों में रहने। तो यहाँ पर अपराधी जिनको सजा देने के लिए भेजा गया वो भी रह रहे थे, जो धर्म के परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं थे वो लोग भी यहाँ पर रह रहे थे यहाँ पर। और यूरोप से क्या हुआ कि यूरोप से बहुत सारे लोगों को, ऐसे क्या हुआ कि अमेरिका जहाँ पर उनको बसाया था उत्तरी अमेरिका में, यूरोपीय लोग भी यहाँ पर रह रहे थे, ऐसे उत्तरी अमेरिका में लोगों को बसाया था, वहाँ बहुत सारी कृषि की जमीन तो थी लेकिन उतने, जैसे जो अपराधियों वगैरह को वहाँ बसाया था वो लोग कृषि करते थे, या फिर जो धर्म से नाराज होकर, परिवर्तनों से नाराज होकर चले गए थे वो लोग थे वहां पर, लेकिन जमीन बहुत ज्यादा थी वहाँ कृषि करने के लिए। इसलिए सरकार ने क्या किया, यूरोपीय देशों से बहुत सारे लोगों को वहां पर बसाना शुरू कर दिया ताकि वो जो है वो जितनी कृषि योग्य यहाँ पर भूमि है, क्योंकि भूमि ज्यादा थी कृषि योग्य, तो वहां पर कृषि कर सके। इसलिए अब देखो इन 13 बस्तियों में कौन रह रहा था, यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा रह रहे थे, व्यापारी भी रह रहे थे, जो अपराधी लोगों को सजा के लिए वहां भेजा गया था वो भी रह रहे थे यहाँ पर, यूरोपीय लोग भी रह रहे थे। तो इन 13 बस्तियों में ये सारे मिलकर रह रहे थे और यहाँ पर जो है पूरा इंग्लैंड का नियंत्रण तो था, क्योंकि इंग्लैंड ने तो ये बस्तियां वहां पर जाकर बसाई थी, बस्तियों को बसाकर उन्होंने इन लोगों को वहां बसाना शुरू किया इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड ने क्या किया, देखो यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए, इन 13 बस्तियों पर अगर नियंत्रण रखने के लिए उसने गवर्नर नियुक्त किए थे नियंत्रण के लिए, गवर्नर नियुक्त किए थे। और जो गवर्नर था वो कर वगैरह इकट्ठा करते थे, इंग्लैंड को देते थे, और कर इकट्ठा करने के लिए जितने भी कठोर तरीके अपना सकते थे वो अपनाते थे, लोगों को बहुत ज्यादा शोषण किया करते थे। तो इन सभी चीजों से परेशान होकर ही, और इवन जो इंग्लैंड का राजा था उस टाइम, जॉर्ज तृतीय था इंग्लैंड का सम्राट, जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब, जॉर्ज तृतीय, ठीक है, जब ये इंग्लैंड अमेरिका की क्रांति हुई थी तब जॉर्ज तृतीय वहां का सम्राट था। तो सम्राट ने भी जो इन 13 बस्तियों में लोगों का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया,
इस वजह से इन लोगों में जो है एक संघर्ष की भावना, एक विद्रोह की भावना जो है वो जागृत हो गई थी, और उसकी वजह से जो वो अमेरिकन क्रांति हुई थी। अमेरिकन क्रांति हुई थी 1776 से 1783, ठीक है, ये अमेरिकन क्रांति का टाइम है। इसमें अमेरिकन क्रांति हुई थी और इसको अमेरिका का स्वतंत्रता का संघर्ष भी कहते हैं, ठीक है, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसको अमेरिकन क्रांति को अमेरिका स्वतंत्रता, क्योंकि जो 13 उपनिवेश थे जो कि अमेरिका में बसे हुए थे, जब इंग्लैंड के साथ इनका ये क्रांति हुई थी, है ना, जब इनका युद्ध हुआ था तब इंग्लैंड हार गया था, उसके बाद अमेरिका स्वतंत्र हो गई, 13 बस्तियां स्वतंत्र हो गई थी, इसलिए स्वतंत्रता का भी ये कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है। अब हम लोग बात करेंगे क्रांति के क्या क्या कारण थे। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ ओवरऑल क्या था, कि इंग्लैंड ने बहुत सारे उपनिवेश बना रखे थे, उसमें ये 13 उपनिवेश थे जिनको उसने उत्तरी अमेरिका में बसाया था इन बस्तियों को, और इन बस्तियों में वो अपराधियों वगैरह सजा देते थे, अपराधियों को वहां जाके बसाता था, और जो इंग्लैंड से चले जाते थे लोग धर्म के परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं होते थे तो वो वहां जाके बस जाते थे, या अमेरिका में बहुत ज्यादा कृषि योग्य भूमि थी तो उस पर कृषि करवाने के लिए यूरोपीय देशों से वो लोगों को लेके वहां बसाते थे, ये सारे लोग वहां रहते थे, और अमेरिका ने वहां नियंत्रण करने के लिए गवर्नर नियुक्त कर रखे थे, गवर्नर उन लोगों से कर लेते थे, बहुत ज्यादा उनका शोषण वगैरह किया करते थे, और उनकी दशा सुधारने के लिए किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस वजह से लोगों में विद्रोह की भावना हुई और 1776 से 1783 में जो है वो अमेरिका की क्रांति हुई, ठीक है। तो ये थी अमेरिकन क्रांति। अब हम बात करेंगे कि क्या इसके कारण थे अमेरिकन क्रांति के, ठीक है, दो तरह के हम कारण में बात करने वाले हैं, एक तो परमानेंट कारण, ठीक है, मतलब कि स्थायी कारण कौन कौन से थे, परमानेंट कॉजेस कौन कौन से थे, और इमीडिएट तभी अचानक से ऐसे कौन कौन से कारण जो है वो क्रिएट हुए जिसके कारण एकदम क्रांति जो है वो हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ अभी हम करने वाले हैं कॉजेस, ठीक है, कॉजेस में हम लोगों ने दो तरह के कॉजेस करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट यानी स्थायी कारण थे कुछ, ठीक है, और इमीडिएट इमीडिएट कॉजेस यानी एक जो तत्कालिक कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो अमेरिकन क्रांति के दो यहां पर कॉजेस हैं, हम कॉजेस की बात करने वाले हैं, स्थायी कारण थे और तत्कालिक यानी परमानेंट और इमीडिएट कॉजेस थे वहां पर इसके अमेरिकन क्रांति के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमानेंट कारण कौन कौन से थे जिनकी वजह से वो 13 बस्तियों में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं परमानेंट कॉजेस, यानी स्थायी कारण। परमानेंट कॉजेस में सबसे पहले आता है नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट जिसे कहते हैं नौसेना, नेविगेशन एक्ट क्या था, पहली बात तो जो नेविगेशन एक्ट था वो 3-4 बार लागू किया था, ये किया था 1651 में, 1660 में भी किया था, एंड 1689 में, ये 3 बार इन्होंने नेविगेशन एक्ट जो है वो लागू किया था, ठीक है। और नेविगेशन एक्ट में क्या था, नेविगेशन एक्ट में ये था कि जैसे ये व्यापार से संबंधित एक्ट था, तो इसमें यह था कि इसमें बोला गया था अगर जो ये 13 बस्तियों में जो लोग रहते हैं यानी इनके जितने भी जो उपनिवेश थे इंग्लैंड के, तो जो उपनिवेशों को इसमें संदेश दिया गया था कि अगर वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लैंड के जहाजों से ही अपना सामान जो है वो ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लैंड के जहाजों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना सामान ले जाने के लिए, और किसी देश के जहाज आप यूज नहीं कर सकते अपना सामान दूसरे देशों में ले जाने के लिए, ठीक है। दूसरा बोला था तो इंग्लैंड के जहाज ही यूज करने, दूसरा जो भी माल था वो सबसे पहले इंग्लैंड में जाएगा, वहां चुंगी कर लगेगा, उसके बाद जो है जहां मर्जी आप उसको बेचो, ठीक है, माल जो है वो इंग्लैंड में जाएगा सबसे पहले,
है, और उस पे लगाया जाएगा चुंगी कर। ठीक है, इंग्लैंड में ले जाकर माल को सबसे पहले वहां चुंगी कर लगाएंगे, उसके बाद आप जहां मर्जी उस माल को जो है वो बेच सकते हैं। और उपनिवेशों को बोला था आप किसी भी देश से जो है वो सीधा व्यापार नहीं कर सकते। सीधा व्यापार की आप किसी भी देश से, ये नहीं है कि कोई उपनिवेश और वो सीधा किसी दूसरे देश के साथ में अपना व्यापार कर रहे आराम से, ऐसा नहीं था। तो नेविगेशन एक्ट में ये सारी जो है वो ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि अगर आपको माल लेके जाना है तो इंग्लैंड के जहाजों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले जो आपका माल है वो इंग्लैंड में जाएगा, वहां चुंगी कर उस माल पे लगेगा, उसके बाद माल जो है जहां मर्जी बेचो, और सीधा व्यापार आप किसी भी देश के साथ में नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सारे प्रतिबंध लगाए गए तो लोगों के अंदर तो जो है वो देखो विद्रोह की भावना भड़केगी ही, तो इस वजह से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना जो है धीरे धीरे भड़कने लगी। उसमें नेविगेशन एक्ट ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से लोगों के अंदर जो है संघर्ष की भावना अंदर जागने लगी कि उनके ये साथ शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये था नेविगेशन एक्ट जिसने लोगों को जो है वो क्रांति के लिए भड़काया था। और जब ये लोगों ने इसका विरोध भी बहुत ज्यादा किया था, तो इस विरोध की वजह से उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट पॉल, उस टाइम इंग्लैंड के पीएम थे रॉबर्ट पॉल। ठीक है, रॉबर्ट पॉल, तो रॉबर्ट पॉल ने इस, जब लोगों ने बहुत ज्यादा विद्रोह वगैरह किया तो इन्होंने क्या किया था, चावल एक्ट लागू कर दिया था, चावल एक्ट। ठीक है, चावल एक्ट में उन्होंने ये बोला था कि चावल का जो व्यापार है वो उपनिवेश जो है जितने उपनिवेश चावल का व्यापार किसी भी देश के साथ में डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉबर्ट पॉल ने विद्रोह को देखते हुए किया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट पॉल के बाद जो है वो ग्रैनविल जो है वो पीएम बने। ठीक है, ग्रैनविल, उसके बाद पहले तो रॉबर्ट पॉल थे, उन्होंने चावल एक्ट लागू कर दिया लोगों को शांत करने के लिए। लेकिन ग्रैनविल जो थे इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस क्रांति को लाने में। ग्रैनविल ने ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिससे लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे अचानक से। ठीक है, तो ग्रैनविल ने ये सारे जो भी व्यापार पर प्रतिबंध थे, ठीक है, व्यापार प्रतिबंध जो है उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिए ग्रैनविल ने। मतलब रॉबर्ट पॉल ने थोड़ा लोगों को शांत करने के लिए चावल एक्ट में उनको छूट दे दी, रियायत दे दी कि आप चावल का व्यापार किसी भी देश से डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन ग्रैनविल जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने और ज्यादा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए, तो लोग और ज्यादा भड़के इनकी वजह से। तभी इनको बहुत एक बड़ा एक जिम्मेदार जो है वो माना गया था अमेरिकन क्रांति के लिए। ठीक है, तो ये था नेविगेशन एक्ट जो था वो अमेरिकन क्रांति के लिए एक कारण था। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट, नेविगेशन एक्ट के बाद देखो इसमें आता है एक और, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, प्रेजेंस ऑफ करेक्टरलेस पर्संस। जैसे कि मैंने आपको बताया करेक्टरलेस पर्सन मतलब चरित्रहीन व्यक्ति जो थे, जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो 13 बस्तियां थी है ना वहां पर अमेरिका में बसाई हुई थी, तो इन 13 बस्तियों में जो है मैंने आपको बताया कि इनके लोगों को रखा है ना, अपराधियों को भी रखा था वहां पर है ना, कि उनको सजा देने के रूप में अपराधियों को वहां जाके इंग्लैंड में बसाया था, क्योंकि इंग्लैंड का मानना था कि चरित्रहीन लोगों को इंग्लैंड में नहीं रहना चाहिए, इसलिए अपराधियों को वहां पर रखा गया। ठीक है, और यूरोपीय देशों के लोगों को रखा गया, तो उनका तो इंग्लैंड से कोई खास लगाव नहीं था, और उन लोगों को रखा गया जो धर्म के परिवर्तन से संतुष्ट नहीं थे, वो धर्म में जो परिवर्तन हो रहा था उसके खिलाफ थे। जब इन लोगों को यहाँ पर रखा गया था तो इन लोगों के भीतर क्या था, किसी तरह की कोई देशभक्ति नाम की चीज नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग खुद इंग्लैंड से संतुष्ट नहीं थे, और अपराधियों में तो किस तरह की कोई देशभक्ति की नहीं उम्मीद की जा सकती थी। ठीक है, तो देशभक्ति इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए इनको जो है कोई ऐसा लगाव नहीं था इंग्लैंड से कि इंग्लैंड के खिलाफ ये विद्रोह ना करें। इनको था, इनके दिमाग में तो ये था कि उनका शोषण किया जा रहा है, और इस शोषण से बचने के लिए उन्हें बस इंग्लैंड के खिलाफ जो है विद्रोह करना है। कोई देशभक्ति वाली इनके अंदर फीलिंग नहीं थी कि हमारा देश है, हम अपने देश के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए वो शोषण कर रहे थे, और इनके अंदर जो है वो बदले की भावना उभरती जा रही थी। तो एक ये भी था कि इनका देश के प्रति इंग्लैंड के प्रति कोई लगाव नहीं था। ठीक है, तो एक ये भी कारण था, अगर लोगों को थोड़ा लगाव होता तो वो एक बार विद्रोह के बारे में नहीं सोचते, बट उन्होंने विद्रोह के बारे में एकदम सोचा कि उनको अपने देश से किसी तरह का कोई देशभक्ति की भावना उनके दिल में नहीं थी। ठीक है, तो ये था कि, और क्योंकि वहां पर जो लोगों को बसाया गया था वो थे उस तरह के, कोई ऐसे
जो इंग्लैंड में जो मतलब इसकी देशभक्ति की भावना रखते उन लोगों को तो इंग्लैंड में ही रखा गया था ना, तो इसलिए एक ये भी एक कारण बना था। उसके बाद है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के निवासियों को बसाया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि यूरोपीय जो देश थे यूरोपीय लोगों को वहां पर बसाया गया था उन 13 बस्तियों में। क्यों बसाया गया था उन 13 बस्तियों यूरोपीय लोगों को, क्योंकि उनके पास कृषि की बहुत जमीन थी लेकिन कृषि के लिए उतने लोग नहीं थे, इसलिए कृषि के लिए जितनी भूमि पड़ी थी उसके लिए उन लोगों को बसाया गया था। और मतलब उनको सारी सुविधाएं दी गई कृषि करने के लिए ताकि कृषि से जो है उनको लाभ मिले, क्योंकि वो इन जो 13 बस्तियों में जो भी है ये इंग्लैंड की कंपनियां करती कच्चा माल प्राप्त करती थी, यहाँ से सारा कच्चा माल तैयार किया जाता था और कच्चा माल यहाँ से लेकर उसको तैयार करके यहाँ की जो इन 13 बस्तियों की मंडियां थी उसमें उस पके माल को तैयार कर कर मंडियों में बेचा जाता था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दूसरे देशों के लोग थे उनके अंदर भी कोई देशभक्ति की भावना नहीं थी। ठीक है, उनको तो सिर्फ यहाँ पर था कि उनको काम के लिए लाया गया, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बस इतना था। और इनको था, इनको ये भी था कि हमारे साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना नहीं थी, इसलिए और जल्दी जो है वो संघर्ष ने आपका रूप लिया। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद 7 वर्ष का जो है वो युद्ध हुआ था इंग्लैंड का फ्रांस के साथ में। सप्तवर्षीय युद्ध जो क्या हुआ वो इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है वो 7 सालों के लिए युद्ध हुआ था, जो हुआ था हमारा 1757 से 1763। इस बीच में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, 7 सालों तक युद्ध होता रहा था। क्यों हुआ था? क्योंकि क्यूबेक और मिसिसिपी नदी यहाँ पर देखो इन इलाकों में क्या था, क्यूबेक और मिसिसिपी नदी में जो फ्रांस के उपनिवेश थे यहाँ पर, ठीक है, फ्रांस के उपनिवेश जैसे इंग्लैंड के उपनिवेश थे वैसे ही फ्रांस के उपनिवेश भी थे, तो फ्रांस ने क्यूबेक और मिसिसिपी में अपने उपनिवेश बना रखे थे। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि इन दोनों एरियाज को लेकर जो है इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा तानातानी चली रहती, जैसे भारत और पाकिस्तान में चली रहती है कुछ पीओके के एरियाज को लेकर, वैसे इन दोनों में चली रहती थी। इस वजह से 1757 से 63 के बीच में इन दोनों में युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस हार गया था। ठीक है, फ्रांस की जो है वो हार हुई थी, इसलिए फ्रांस को जो है वो कनाडा से निकाल, जो फ्रांस के सारे लोग थे उनको कनाडा से निकाल दिया गया। ठीक है, और इस वजह से फ्रांस के अंदर एक बदले की भावना जो है वो जागृत हुई थी, उसे था कि अपनी बेइज्जती का किसी भी तरह से जो है इंग्लैंड से बदला लेना है। ठीक है, तो बदले की भावना फ्रांस की उसमें जागी जब हारा वो, तो इसने क्या किया, फ्रांस ने जो इंग्लैंड के 13 बस्तियां थी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इन 13 बस्तियों में जो लोग थे, ठीक है, उन 13 बस्तियों में जाकर क्या किया, लोगों को भड़काया इंग्लैंड के खिलाफ कि वो तुम्हारे साथ शोषण कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फ्रांस का भी बहुत बड़ा इसमें जो है वो रोल रहा था, जब फ्रांस हार गया तो उसे अपनी बेइज्जती का जो है वो एक तरह से बदला लेना था, इसलिए उसने इंग्लैंड में जो 13 बस्तियां थी उनके लोगों को भड़काना शुरू कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो एक ये फ्रांस ने भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, और उसके बाद एक और था रेड इंडियन वाली बात भी जो है इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद क्या था, जैसे अभी जब इंग्लैंड फ्रांस से जीत गया उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, जो मिसिसिपी से लेकर अलगानी पर्वत, ठीक है, इस सब पे जो है वो अपना नियंत्रण जमा लिया इंग्लैंड ने। ठीक है,
जब इस सब पे इंग्लैंड ने अपना नियंत्रण जमाया तो इसमें क्या था कि जो 13 जो उपनिवेश थे है ना, उन लोगों ने भी सोच रखा था कि वो पश्चिम की तरफ जो है अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाएंगे। 13 उपनिवेश ना ये पश्चिम की तरफ बढ़ना चाहते थे, अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन और पश्चिम में जो रेड इंडियन रह रहे थे, यहाँ पर पश्चिम में रेड इंडियन, रेड इंडियन वो पश्चिम में से रेड इंडियन को भगा देना चाहते थे ये 13 उपनिवेश के लोग, और पश्चिम में अपने राज्य का अपने सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा होने नहीं दिया। इंग्लैंड ने क्या किया, इनके जो मकसद था उसको उन्होंने भंग कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड ने क्या किया कि 1763 में उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया, ठीक है, शाही फरमान। उस शाही फरमान में क्या कहा था, उस शाही फरमान में जो है जो रेड इंडियंस थे उनको सुरक्षा दे दी गई कि इन लोगों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो जब ऐसा किया इंग्लैंड ने तो 13 उपनिवेश के जो लोग हैं उनमें तो ज्यादा ही इसके खिलाफ वो एक विद्रोह की भावना जागृत होगी ना, उनको तो गुस्सा आएगा ना, तो इसलिए और वो उनके खिलाफ हो गए जब इंग्लैंड ने ऐसा कुछ किया, जब रेड इंडियंस को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, ठीक है। तो ये भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण था जिसे इंग्लैंड को जो है वो आगे देखना पड़ा था। एक एक मतलब अपने 13 उपनिवेश उसे खोने पड़े थे। और एक और इसमें बहुत बड़ा कारण था परमानेंट में, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जो यातायात के साधन थे, देखो उस टाइम जो है वो संचार के बात करूं मैं, ठीक है, या फिर यातायात की बात करूं तो इतने अच्छे वहां पर सुविधाएं नहीं थी उनमें उत्तरी अमेरिका में वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत घने जंगल वगैरह थे, ठीक है, और इतनी ज्यादा संकरी आबादी वगैरह थी वहां पर। तो वहां पर इस तरह से यातायात की सुविधा करना, संचार के सारे माध्यम करना, ये इतना नहीं पॉसिबल था, ठीक है, इतना नहीं किया गया था। तो इसलिए जब संघर्ष हुआ था, या हम कह सकते हैं जब विद्रोह हुआ था, तो जो इंग्लैंड था विद्रोह के टाइम वहां पर सेना नहीं भेज पाया जल्दी से, इसीलिए उसकी हार हुई थी, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से वहां ट्रांसपोर्ट नहीं था कि जल्दी से उसके जरिए सेना को भेजा जाए और विद्रोह को शांत किया जाए, इतना कुछ नहीं था। इस वजह से सेना वहां टाइम पे नहीं पहुंची, इसलिए इंग्लैंड की इसमें हार हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके हार का कारण था इंग्लैंड का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एटीट्यूड ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का ये जो 13 बस्तियां थी, 13 उपनिवेश थे, उनके प्रति किस तरह का दृष्टिकोण था। उनका दृष्टिकोण कुछ खास नहीं था, तभी तो लोग परेशान हुए थे उनसे। एटीट्यूड ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड का दृष्टिकोण कैसा था, ठीक है। तो इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड जो यहाँ के जो 13 बस्तियों के लोग थे, ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या समझते थे, वो झगड़ालू और चरित्रहीन कहते थे उनको, वो झगड़ालू चरित्रहीन, ठीक है, और मतलब अनपढ़, किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं उन्हें, इस तरह का समझते थे। और वो उनका यकीन था कि इन लोगों को काबू पाने के लिए सिर्फ बल प्रयोग से ही इनको काबू पाया जा सकता है, इन लोगों को किस तरह की कोई अकल नहीं है, इस तरह का मानते थे वो। बल प्रयोग को जो है वो हमेशा ही सहयोग देते थे कि बल प्रयोग से इन लोगों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने इनके प्रति किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया था, इनका उन्होंने हमेशा शोषण ही किया था, ठीक है, इसी वजह से तो ये परेशान हुए थे, इन्होंने इनका शोषण ही किया था, ठीक है। और ऐसा था कि और इसमें ये एक और बात थी, जैसे जब वो फ्रांस के साथ में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तब इसमें देखो इंग्लैंड का बहुत सारा धन वगैरह खर्च हुआ था, है ना। तो इंग्लैंड ने क्या बोला कि हम ये जो हमने सप्तवर्षीय युद्ध किया है
वो तुम लोगों की रक्षा के लिए किया है, मतलब 13 जो बस्तियां थी उन्होंने बोला कि ये उपनिवेशों की रक्षा के लिए ही ये युद्ध जो है वो किया गया था और इसमें जितना भी धन खर्च हुआ है इसलिए वो धन जो है वो तुम्हें वापस करना चाहिए, नहीं जो 13 बस्तियां थी उनको सारा धन जो है वापस करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पे कर लगा दिया और जो है डबल कर लगा दिया। उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए इंग्लैंड ने जो है फ्रांस से युद्ध किया, इसलिए जो भी इनके इसमें नुकसान हुआ जो खर्चा हुआ है वो सारा जो 13 बस्तियों को भरना पड़ेगा, तो उन्होंने इस पे ये लगा दिया था। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग भड़के क्योंकि उनको बेचारों पहले ही इतना कर लगाया जा रहा था और भी ज्यादा कर जो है डबल कर दिया जाए ताकि जितना भी नुकसान हुआ था युद्ध में उसको भरपाई उसकी की जा सके, तो इसकी वजह से भी जो है लोगों में विद्रोह की भावना जो है वो जागृत हुई थी। उसके बाद यहाँ के जो राजनेता थे या फिर जो यहाँ का राजा था जॉर्ज तृतीय, उसने इन लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था। एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस, यहाँ के जो राजनेता थे उन लोगों ने भी इनकी तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो जॉर्ज तृतीय इस टाइम का सम्राट था, वहां का राजा था इंग्लैंड का, तो वो भी मतलब उसने भी इन लोगों के हालात देखे थे और उसने ये भी देखा कि विद्रोह की भावना लोगों में जागृत हो रही है, तो उसको शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। जब बहुत ज्यादा ही विद्रोह की भावना होगी तब जाके किया, तो उसमें युद्ध तो पॉसिबल ही था, तो इसने भी कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोगों के शोषण के प्रति कोई वो नहीं उठाया। और इसने जॉर्ज तृतीय का और ये कहना था कि जो ये जो उपनिवेश थे है ना, उपनिवेश पे इंग्लैंड का जो है वो अधिकार है और तो इसलिए जो है वो इंग्लैंड जैसे मर्जी उन लोगों से जो है वो धन इकट्ठा कर सकता है, कर इकट्ठा कर सकता है, उनकी सुरक्षा में सारे काम किए गए थे करता है इंग्लैंड, इसलिए जो उपनिवेश में रहने वाले लोग हैं उन्हें कर देना पड़ेगा और जैसा मर्जी इंग्लैंड के साथ व्यवहार कर सकता है, ये और उसका सम्राट का कहना था। तो इससे और लोग भड़के कि सम्राट उनकी तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और उन पे ज्यादा कर लगा रहे हैं और उनके विरुद्ध ही बोल रहे हैं, तो लोगों का भड़कना जरूरी था। तो जब आप इसमें पढ़ोगे ना तो जॉर्ज तृतीय जो सम्राट था उसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया था इस क्रांति के लिए, इसीलिए जो उनका इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, हाउस ऑफ कॉमन बाद में जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है ना, तो हाउस ऑफ कॉमन में सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए एक विधेय पास करते हैं इसके, ताकि राजा की शक्तियां जो है वो कम हो, क्योंकि इसको बहुत बड़ा एक माना गया था कारण युद्ध का, ठीक है, तो इसलिए हाउस ऑफ कॉमन ने इसकी शक्तियां कम करने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया था। और जब क्रांति हुई थी तब वहां का जो पीएम था वो था लॉर्ड नॉर्थ वहां का उस टाइम पीएम था जब क्रांति हुई थी, तो लॉर्ड नॉर्थ को भी इसका बहुत बड़ा कारण माना गया था, इसलिए इसको जो है वो अपना त्याग पत्र देना पड़ा था, ठीक है, इसको त्याग पत्र देना पड़ा था। और उसके बाद जो है वो नया पीएम जो है इन्होंने लेके आए थे उसे, इसको त्याग पत्र देना पड़ा था। तो इस क्रांति में देखो एक है ग्रेनविल प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ और राजा जॉर्ज तृतीय, इन तीनों को बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि इनकी जो नीतियां थी उसकी वजह से जो है वो उपनिवेश के लोगों में ज्यादा इस तरह की भावनाएं जागृत हुई थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो ये तो थे सारे इमीडिएट कॉजेस, ठीक है, अब हम लोग ये तो परमानेंट कॉजेस थे कि जिनसे लोग पहले से ही परेशान थे, लेकिन इमीडिएट कॉजेस भी ऐसे आए जिनकी वजह से लोग जो है वो परेशान हुए, ठीक है, वो इमीडिएट कॉजेस हम करने वाले हैं। इमीडिएट कॉजेस में सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करने वाले हैं तो गाइज इमीडिएट कॉजेज जो है अब हमारे पास बचते हैं इमीडिएट कॉजेज जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम लोग किए अभी फ्रांसीसी क्रांति के हमने जो परमानेंट कॉजेज थे उनके बारे में डिस्कस किया है, अब इमीडिएट कॉजेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।